दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति का नाम लगातार सामने आ रहा है, जिस व्यक्ति का नाम है गणेशी नायक। गणेशी नायक से हमारी वैसी मुलाकात नहीं हो पाई हो, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ समय के अभाव के कारण, लेकिन गणेशी नायक एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और लगातार उनके समर्थक गणेशी नायक के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। तो गणेशी नायक भी है आश्वासन दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पृथ्वीपुर विधानसभा से चेहरा बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें पूरा भरोसा है और लगातार बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आए हैं गणेशी नायक। टीकमगढ़ में रहते हैं, जिले से लेकर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा उनका दबदबा है। बड़े बड़े नेता उन्हें व्यक्तिगत फोन लगाकर उनका हालचाल भी पूछते रहते हैं और जरूरत पड़ती है तो वहां पर उन्हें लगा दिया भी जाता है। स्वर्गीय सुनील नायक के साथ यही व्यक्ति थे जो लगे रहते थे और उनके राजनीतिक कैरियर को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे ही उनका निधन होता है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आती हैं और उसके बाद वो जीतती हैं, फिर गणेशी नायक टिकट मांगते हैं लेकिन शिशुपाल यादव को बीजेपी टिकट दे देती है। उस समय शिशुपाल यादव के नाम पर गणेशी नायक को मना लिया जाता है और उसके बाद यह आश्वासन दिया जाता है कि हम आगे तुम्हें टिकट देंगे। एक बार पुनः चुनाव है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पृथ्वीपुर विधानसभा से क्या गणेशी नायक को टिकट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसके साथ साथ शिशुपाल यादव की मजबूत दावेदारी है। गणेशी नायक एक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण चेहरा के साथ साथ तमाम वर्ग में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। पुराने नेता हैं और फील्ड में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो लगातार लोगों की विचार, लोग अपने कमेंटों के माध्यम से हमसे बोल रहे थे कि गणेशी नायक की चर्चा करिए। गणेशी नायक जी से मुलाकात जरूर नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी जिस प्रकार से लोग बताते हैं कि जमीन स्तर के नेता हैं और लगातार फील्ड में सक्रिय रहते हैं, कुछ और भी व्यवस्था होगी जिसके कारण अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। बहुत जल्द मुलाकात होगी, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन टीकमगढ़ के कद्दावर नेता या कहें जिले स्तर पर उनकी राजनीति तो जो है तो है ही है, और चाहे इससे पहले जतारा में उन्होंने राजनीति जिस प्रकार से अपनी की, उसके बाद पृथ्वीपुर में जिस प्रकार से वो सक्रिय हैं और तमाम लोगों की राजनीतिक करियर संभालने में उन्होंने अपना एक योगदान दिया है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को ना तो बीजेपी इग्नोर कर सकती है, ना जनता इग्नोर कर सकती है, ना हम और आप कर सकते हैं। गणेशी नायक का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी से उनकी दावेदारी है टिकट को लेकर, और बीजेपी से हमने तीन दावेदारों की सूची आपके सामने की है। इसके साथ साथ अनीता नायक भी टिकट मांग रही हैं, दोनों ही परिवार के अगर आमने सामने लोग सामने आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अनीता नायक पृथ्वीपुर से टिकट मांग रही हैं, गणेशी नायक पृथ्वीपुर से टिकट मांग रहे हैं, तो वही जो कहें कि एक पांडे हैं वो भी, अनिल पांडे वो भी टिकट मांग रहे हैं पृथ्वीपुर से, शिशुपाल यादव जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी बीजेपी का एक चेहरा है, तो चार प्रत्याशी पृथ्वीपुर से बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। इनमें से किन को टिकट मिलना चाहिए और कौन से लोग आप लोगों के बीच में लगातार सामने आते रहते हैं, आपके दुख दर्द को सुनते हैं और वहाँ के जो अत्याचार हुए हैं उस पर आवाज़ उठाइए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बीजेपी की किसको टिकट मिलने वाली है, किसके सिर सजेगा बीजेपी की टिकट का ताज, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।